देश की राजधानी दिल्ली विश्व सौथी वधु प्रदूषित शहर बन्यू छे अने दिवाळी बाद तो दिल्ली गैस चेम्बर में बनी गई छे। दिवाळी ना सतत बीजा दिवसे शहर विविध विस्तार में प्रदूषण की स्थिति यथावत जोवा मळी हती। शहर गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पण प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक जोवा मळी छे। दिल्ली नु आनंद विहार वायु प्रदूषण माटे सौथी मोटू हॉटस्पॉट बनी गयु छे। केजरीवाल सरकार फरी एक वक्त दिल्ली में ऑड इवन सीस्टम लागू करवा पर विचार करी रही छे। परेशानी तो यही है कि हम जैसे आते हैं सुबह वो लगता है ऐसे है फॉग है लेकिन होता स्मॉग है बेसिकली। आज जब आप इनहेल करते हैं तब पता लगता है, गले में तो थोड़ा बहुत जरूर वो रहता है और धुआं टाइप लगता है, आंखों में भी जलन सी होती है, पानी सा आता है, जैसे वो है, कुछ ठंड की वजह से भी हो रहा है। सरकारी तौर पर मैं ये कहूंगी कि पटाखों पर तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। ये कभी भी अपने केवल क्षणिक सुख के लिए तो अच्छा है लेकिन वास्तव में ये कभी भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी सभी से दरख्वास्त है कि जरूरी नहीं है कि दूसरे ही हम पे जबरदस्ती करें, हमको अपने आप पे भी सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। दिल्ली में फरी एक बार प्रदूषण स्तर में वधारो थयो छे त्यारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जणाव्यु कि प्रदूषण ने नियंत्रित करवा माटे ग्रेप 4 ना नियमों लागू करवामां आव्या छे। दिवाळीना समयगाळामां जे फटाकड़ा फोड़वामां आव्या छे तेनी असर राजधानीना हवामानमां जोवा मळी रही छे। दिल्ली में हवानी गति धीमी होवाथी प्रदूषको लांबा समय सुधी त्यां रही शके छे अने परिणामे प्रदूषण स्तर में वहेली तके घटाड़ानी शक्यता ओछी छे। भाजपना नेता कही रह्या छे कि दिल्ली सरकार प्रदूषण अटकाववामां निष्फळ साबित थई परंतु दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणानी पोलीस भाजपना ताबा हेठळ छे। भाजप इच्छती हती के फटाकड़ा फोड़वामां आवे। दिल्लीना घणा विस्तारोमां एक्यूआई 350 ने पार पहुंची गयु छे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? क्योंकि जब आप कह रहे हो, बधाई दे रहे हो पटाखे फोड़ने पे, तो आप रुकवाओगे तो नहीं? इससे मतलब तो साफ दिख रहा है कि आप चाहते थे कि पटाखे फोड़े जाएं और दिल्ली के लोगों के जिंदगी में जहर घोला जाए। एक नेता ने कहा कि 10 दिन पहले जो पॉल्यूशन था उससे तो कम ही था, मतलब 10 दिन पहले पॉल्यूशन था इसलिए आप जानबूझ के पॉल्यूशन फिर पैदा करोगे आप। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोरे जणाव्यु हतु कि वर्ष 2011 में ज्यारे यूपीए नी सरकार हती त्यारे पण जाति आधारित वस्ती गणतरी करवामां आवी हती। ज्यारे आ सर्वे करवामां आव्यु त्यारे पण धर्म, जाति, शैक्षणिक लायकात अने तमाम विगतोना आधार पर माहिती एकत्र करवामां आवी हती परंतु कांग्रेसना शासनमां आ वस्ती गणतरी योग्य रीते करवामां आवी न हती अने परिणामे तेना आंकड़ा आज दिन सुधी जाहिर करवामां आव्या नथी। जाति आधारित वस्ती गणतरी पहला पण करवामां आवी छे। पीएम मोदीना विजन अने भाजप संगठन ने सरकार આપવામાં અસક્ષમ હોવાથી કોંગ્રેસ અને તેના સમર્થક પક્ષો લોકોમાં ભ્રમ ફેલાવવા માંગે છે। તો કોંગ્રેસ હંમેશા ઓબીસી કે ખિલાફ કરતી રહી ઓર ગલત બયાની કરતી રહી હૈ। મોદીજી જો બોલ રહે હૈ વો સચ બોલ રહે હૈ। મોદીજી જો વિકસિત ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત કા કામ જો કર રહે હૈ યે કોંગ્રેસ કો બરદાસ્ત નહીં હો રહા। યહી કોંગ્રેસ જો હૈ मोदी तेरी कवर खुदेगी, मोदी तेरी कवर बनेगी, इस तरह के भी अपशकुन वाले और अपशब्दों का प्रयोग करने का काम किया है। ये लोग मोदी जी से घृणा करते हैं, तो मोदी जी से घृणा करने का मतलब है सबसे नफरत करने का। उत्तर प्रदेश ना उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठके जणाव्यु के भाजप पांचे राज्य नी विधानसभा चूंटणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवानो प्रयास करशे। पीएम मोदी ना भारत ने विकसित राष्ट्र बनावाना विजन अने गरीब कल्याण योजनाओना कारणे सर्व समाजनु कल्याण थयु छे। दलित अने पछात वर्गना लोको पण भाजप में विश्वास राखे छे। लोको फरीवार भाजप ने पोतानु समर्थन अने आशीर्वाद आपशे। पांच राज्य में भाजप बहुमत साथे सरकार बनावशे। विधानसभा के हो रहे पांचों राज्यों के चुनाव में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने सर्व समाज का भला किया है, विशेषकर दलित, पिछड़े, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते हुए अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सभी जगह आ रही है।
तो राजस्थान उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल ने बे शख्सों घातकी रीते हत्या करी नाखी हती। आ हत्याकांड ने लई अने हवे भाजप अने कांग्रेस बंने चूंटणी नो मुद्दो बनावी रह्या छे। अगाउ भाजपना नेताओए आ हत्याकांड मुद्दे कांग्रेस सरकार ने घेरी हती। एवामां हवे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोते मोटो दावो कर्यो छे। गहलोते कह्युं छे के कन्हैयालाल नो एक हत्यारो भाजप साथे जोडायेलो छे। 25मी नवेम्बरे राजस्थान में मतदान थवानुं छे। एवामां राजकीय माहौल वधु उग्र बनी रह्यो छे। मुख्यमंत्री गहलोते जोधपुर में पत्रकारोनी साथेनी वातचीतमां मोटो दावो कर्यो हतो। गहलोते कह्युं हतुं के कन्हैयालालनी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हती, जेनी जाणकारी मळता ज मैं मारा बधा कार्यक्रम रद्द करी दीधा हता अने उदयपुर रवाना थई गयो हतो। जो के हत्याकांडनी जानकारी होवा छतां भाजपना अनेक नेताओए हैदराबादमां कार्यक्रमो योजा हता। घटनाना दिवसे ज एनआईए तपास हाथमां लीधी हती। केन्द्रीय एजेंसीओ शुं तपास करी तेने लई अने कोईने कई जानकारी नथी। जो तपास राजस्थान पोलीसनी एनजीओना हाथमां होत तो आरोपीओने क्यारना न्यायना कठेडामां उभा करी देवाया होत। भारत अने केनेडा वच्चे चाली रहेला विवादनी वच्चे भारते संयुक्त राष्ट्रमां केनेडा ने अरीसो बताव्यो छे। एक मोटा कूटनीतिक पगला हेठळ भारते संयुक्त राष्ट्रमां केनेडा ने पूजा स्थानो अने हेट क्राइमनी घटनाने रोकवानी सलाह आपी हती। यूएन मानव अधिकार परिषदनी बैठक दरमियान एक ठराव पर चर्चा दरमियान भारत बांग्लादेश अने श्रीलंकाना राजद्वारीओने केनेडानी केटलीक सलाह आपी हती अने कह्युं हतुं के केनेडा पहेला तेनुं घरेलू माळखुं मजबूत करे जेथी वाणी स्वतंत्रतानो दुरुपयोग न थई शके। आ साथे कट्टरवाद ने प्रोत्साहन न आपवा माटे के जेथी हिंसा भड़कती रोकी शकाय। भारतीय राजद्वारीए कह्युं छे के केनेडा में धार्मिक स्थानों अने धार्मिक लघुमतीओ पर थता हुमलाओ रोकवानो प्रयास करवामां आवे। हेट क्राइम अने घृणास्पद भाषण रोकवा माटे कायदाने मजबूत करवामां आवे। इन द स्पिरिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इंडिया रिकमेंड्स द फॉलोइंग टू कैनेडा। वन, further strengthen the domestic framework to prevent misuse of freedom of expression for inciting violence and disallow activities of groups which are promoting extremism. Two, effectively prevent attacks on places of worship of religious and racial minorities, strengthen legislative and other measures to address hate crimes and hate speech. Three, put an end to structural discrimination against children belonging to indigenous groups and address disparities in access to services by all children. देशना प्रथम वडाप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू नो आज जन्मदिन छे त्यारे दिल्ली में तेमना समाधि स्थल शांतिवन पर पुष्पांजलि अर्पण करवामां आवी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार नो सोनिया गांधी सहित पार्टी नेताओए शांतिवन पहुंची अने पंडित नेहरू ने पुष्पांजलि अर्पण करी हती अने नमन कर्या हता। पंडित जवाहरलाल नेहरू नो जन्म 14 नवेम्बर 1989 ना रोज अलाहाबाद में थयो हतो। विदेश में अभ्यास बाद 1912 में तेओ भारत पाछा फर्या पछी तरत ज राजकारण में जोड़ाया हता। 1916 में तेओ महात्मा गांधी ने पहली वक्त मळ्या हता, जेमाथी तेओ खूब ज प्रेरित थया हता। जवाहरलाल भारतना बाळको अने युवानोने शिक्षण मळवुं ज जोईए तेना प्रखर हिमायती हता। तेमनी सरकारना कार्यकाळ दरमियान उच्च शिक्षण माटेनी अनेक इंस्टिट्यूटनी स्थापना थई। जीवनभर तेमणे आदरेला बाळको अने युवानोना कल्याण शिक्षण अने विकासना कार्यनी यादीमां भारतमां तेमनो जन्मदिवस 14 नवेम्बर बाळ दिन तरीके उजवाय छे। भारतभरमां बाळको तेमने चाचा नेहरू तरीके याद करे छे। तो विदेश प्रधान एस जयशंकरे भारत में छेल्ला दायका में थयेली असामाजिक अने आर्थिक क्रांति माटे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नेतृत्व ने श्रेय आप्यो हतो। ब्रिटन की 5 दिवस की सत्तावार मुलाकाते गयेला विदेश मंत्री विश्व में थता फेरफारों स्वीकार कर्यो। आ साथे तेमणे विकासशील भारत यूके संबंधों अने देश की दिशा नक्की करवामां पीएम मोदीए भजवेली महत्वपूर्ण भूमिका पर पण भार मूक्यो हतो। तेमणे कह्युं के आ मात्र एक देश नथी जे समकालीन पड़कारोनो जवाब आपी रह्यो छे, ते केवो देश પણ છે જે મોટા સપના જોઈ રહ્યો છે, જે મોટું વિચારી રહ્યો છે, જે મોટું અમલીકરણ થઈ રહ્યું છે, અને હું આનું ચંદ્રયાન મિશન કરતા વધુ સારું ઉદાહરણ વિચારી શકતો નથી। જ્યારે તે બન્યું ત્યારે હું વડાપ્રધાન સાથે દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતો અને અમે એક મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદની મધ્યમાં હતા। તેની અસર વિશ્વના દેશો પર પડી, વિચારી રહ્યું છે કે આવા જટિલ મિશનને આટલી સ્પર્ધાત્મક રીતે પાર પાડી શકાય છે। ભારતની આજની છબી જૂની છબી છે। Saying the world has changed, our relationship has changed, UK has changed, India has changed. So you may ask me, what has changed in India? You know the answer. The answer is Modi.
Now, I'll give you the long answer. नवेम्बर महीनाना अंते तेलंगाणामां विधानसभा चूंटणी माटे मतदान थवानुं छे, परंतु मतदान पहेला ईडी अने इन्कमटेक्स द्वारा तेलंगाणामां सतत दरोडा पाडवामां आवी रह्या छे। तो तेलंगाणानी राजधानी हैदराबादमां अलग अलग स्थळोए दरोडा पाडवामां आव्या हता। इन्कमटेक्सना अधिकारीओ तेलंगाणाना मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डीना संबंधीओना घरे दरोडा पाडी रह्या छे। इन्कमटेक्स अधिकारीओए गाई बोवलीमां एक एपार्टमेंटमां रहेता प्रदीप नामना व्यक्तिना घरे दरोडा पाड्या छे। मळेला अहेवाल मुजब प्रदीप तेलंगाणाना मंत्री सबिता इंद्राना नजीकना संबंधी छे। एटलू ज नहीं, परंतु टीमे रेड्डीना अन्य संबंधीओना घरे पण तलाशी लीधी छे। आ साथे हैदराबादमां 15 जुदा जुदा स्थळोए एक साथे दरोडा पाडवामां आवी रह्या छे। फार्मा कंपनीना मालिकना घरे अने ऑफिसमां तलाशी लेवामां आवी रही छे। बे दिवस पहेला तेलंगाणाना खम्माम जिल्लामां कोंग्रेस नेता पोलुलेटी श्रीनिवास रेड्डीना त्यां इन्कमटेक्स विभागनी टीमे दरोडा पाड्या हता। દિલ્હીના પૂર્વ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે। સીબીઆઈએ દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વિનયકુમાર સક્સેના પાસે સત્યેન્દ્ર જૈન અને તિહાર જેલના કેટલાક અધિકારીઓ વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરવા માટે પરવાનગી માંગી છે। આરોપીઓ પર જેલના કેટલાક કેદીઓ અને ગેંગસ્ટર સુકેશ ચંદ્રશેખર પાસેથી પૈસા પડાવવાનો આરોપ છે। સીબીઆઈએ એલજીને પત્ર લખી અને પરવાનગી માંગી છે। પ્રાપ્ત માહિતી પ્રમાણે સીબીઆઈએ 10મી નવેમ્બરે તપાસ શરૂ કરવા માટે પરવાનગી માંગી હતી। પત્રમાં આરોપ લગાડવામાં આવ્યો છે કે સત્યેન્દ્ર જૈન તિહાર જેલના તત્કાલીન ડીજી સંદીપ ગોયલ અને એડીજી મુકેશ પ્રસાદ સાથે મળી અને તિહારમાં ખંડણીનું રેકેટ ચલાવી રહ્યા હતા અને લોકો પાસેથી તેઓએ પૈસા પણ પડાવ્યા હતા। દેશમાં જીએસટીની અમલવારી બાદ કરચોરીની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યા હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે। વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં રૂપિયા 50,000 કરોડની વસૂલી કરવાનું સરકારનું લક્ષ્યાંક છે, જે નાનો આંક ન કહી શકાય। ગયા નાણાકીય વર્ષની સરખામણીએ આંક બમણાથી વધુ છે। વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં જીએસટી સત્તાવાળાએ રૂપિયા 1.36 ટ્રિલિયનની કરચોરી પકડી પાડી છે, જેમાંથી રૂપિયા 14,108 કરોડ વસૂલી લેવાયા છે। જુલાઈ 2017થી ફેબ્રુઆરી 2023ના ગાળામાં કુલ રૂપિયા 3.8 ટ્રિલિયનની કરચોરી પકડી પાડવામાં આવી છે, જેમાં રૂપિયા 1.3 ટ્રિલિયન વસૂલાયા છે। એપ્રિલ 2020થી સપ્ટેમ્બર 2023 દરમિયાન ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના 6,000થી વધુ બનાવટી કેસ પકડાયા હતા। ધ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ જનરલ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ, જે દેશમાં જીએસટીની ચોરી પકડી પાડવા માટેની મુખ્ય એજન્સી છે। તો છત્તીસગઢના મુંગેલીમાં જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે પહેલા તબક્કાના મતદાન બાદ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે કોંગ્રેસની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હાર થશે। આ કોંગ્રેસના કુશાસનના કાઉન્ટડાઉનની શરૂઆત છે। કોંગ્રેસના નેતાઓએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં રાજ્યના લોકોને લૂંટવાનું કામ કર્યું છે। લોકો કોંગ્રેસને ફરીવાર નથી ઇચ્છતા। જ્યારે છત્તીસગઢમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની ત્યારે 2.5 વર્ષ માટે મુખ્યમંત્રી પદ માટે સમજૂતી થઈ હતી, પરંતુ પહેલા 2.5 વર્ષમાં જ સરકારે ભ્રષ્ટાચાર આચરી મોટી રકમ એકત્ર કરી। જો ભાજપ સત્તામાં આવશે તો ભ્રષ્ટાચાર કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની પીએમ મોદીએ ખાતરી આપી હતી। વડાપ્રધાન મોદીએ મહાદેવ એપમાં કોંગ્રેસની સંડોવણીના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા। છત્તીસગઢમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન 17મી નવેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। મધ્યપ્રદેશના વિદિશામાં જાહેર સભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ગરીબી હટાવવાનો નારો આપ્યો છે, પરંતુ ગરીબી હટાવવાની જગ્યાએ ગરીબોને હટાવવાનું કામ કર્યું। જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ છેલ્લા 9 વર્ષમાં દેશમાં ગરીબ પરિવારોના કલ્યાણ માટે અનેક નિર્ણયો લીધા છે। મધ્યપ્રદેશમાં 3 લાખ ખેડૂતોને દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે। આ પાછળ કેન્દ્ર સરકારે 21,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો છે। જો પ્રદેશમાં ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર બનશે તો ખેડૂતોને મળતી આ વાર્ષિક સહાયની રકમને 6,000 રૂપિયાથી વધારી અને 12,000 રૂપિયા કરવામાં આવશે। કોંગ્રેસ પાર્ટીની પોતાની
कोई ज गेरंटी नहीं तो बीजू कोई नहीं तो शू गेरंटी आपसे। कमलनाथ पोताना पुत्र ने मुख्यमंत्री बनावाना प्रयास करी रहा छे। आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया और मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के भले के लिए 9 साल में ढेर सारे कदम उठाए। सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को अब तक प्रति साल 6,000 रुपया मतलब 21,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा। मध्य प्रदेश ना श्योपुर में जाहिर सभा ने संबोधता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जणाव्यु कि कांग्रेस पार्टी लोगों में भ्रम फैलावानु काम करे छे ते ईमानदार नथी। कांग्रेस पार्टी की जाहिरात अने वचनों थी मूर्ख न बनशो। कांग्रेस पार्टी 18 महीना की सरकार में अमे जनता ना हित माटे शुरू करेली योजनाओं ने अटकावानु काम कर्यु हतु। जो भूलथी पण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी जशे तो भाजप द्वारा शुरू करवामां आवेली जन कल्याणकारी योजनाओं बंद रहेशे। कांग्रेस ना नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दररोज जूठाणा फैलावे छे अने मने गाळो आपे छे। प्रदेश लोकोए कांग्रेस पार्टी नी वातो पर भरोसो करवानी कोई जरूर नथी। मध्य प्रदेश विधानसभा नी कुल 230 बैठकों माटे 17 नवंबर ना रोज मतदान थवानुं छे। ये झूठी और बेईमान कांग्रेस, ये भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी प्रियंका गांधी रोज झूठ बोलते हैं और रोज मुझे ही गाली देते हैं। सपने में भी मैं आता हूं, मामा ने ये कर दिया, मामा ने वो कर दिया। इनके चक्कर में मत आना क्योंकि ये तो योजना बंद करने वाले लोग हैं। आपको पता है जब कांग्रेस आ गई थी तो मेरी बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, वो पैसा डालना बंद कर दिए। लेकिन एक बात याद रखना, कांग्रेस अगर आ गई तो सबसे पहले सब योजना बंद कर देगी, ना लालनी रहने देगी और ना बहना रहने देगी, सब योजनाओं पर ताले लगा देगी। समाजवादी पार्टी ना नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दिवाली ना त्यौहार पर देवी लक्ष्मी ने लई अने विवादित निवेदन आप्यु छे। तेमणे कह्यु छे कि 4 हाथ 8 हाथ 20 हाथ धरावतु बाळक आज सुधी जन्म्यु नथी, आवी स्थितिमां लक्ष्मी 4 हाथ साथे केवी रीते जन्मे। मौर्य दिवाळी पर पोतानी पत्नीनी पूजा करी हती, सोशियल मीडिया पर तेनी तस्वीरो पोस्ट करती वखते आ टिप्पणी करी हती। स्वामी प्रसाद मौर्य सोशियल मीडिया पर मुकेली पोस्ट में लख्यू कि दीपोत्सव निमित्ते पोतानी पत्नी नु पूजन अने सन्मान करता समग्र विश्व ना धर्म जाति रंग अने देश मा जन्मेला दरेक बाळक ने 2 हाथ 2 पग 2 कान 2 आँख अने 2 छिद्रवाळा नाकनी साथे 1 माथू पेट अने पीठ होय छे। 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ अने 1,000 हाथ धरावतु बाळक आज दिन सुधी जन्म्यु नथी, तो 4 हाथवाळी लक्ष्मी केवी रीते जन्मी शके? जो तमे देवी लक्ष्मीनी पूजा करवा मांगता हो तो पोतानी पत्नीनी पूजा अने सन्मान करो, जे साचा अर्थमां देवी छे, कारण के ते तमारा परिवारनुं भरण पोषण सुख समृद्धि भोजन अने संभाळनी जवाबदारी खूब ज निष्ठाथी निभावे छे। स्वामी प्रसाद मौर्यनी टिप्पणी पर कांग्रेसना नेता आचार्य प्रमोद कृष्णए आखरी प्रतिक्रिया आपी हती। केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ 1,000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है, और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1,000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं।
लाज लईने સંસદમાં કેટલાક સવાલ કરવાના આરોપનો સામનો કરનાર તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઈત્રાને તેમની પાર્ટીએ નવી જવાબદારી સોંપી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે મોઈત્રાને કૃષ્ણનગર જિલ્લાના અધ્યક્ષ તરીકે નિમ્યા છે. સંસદની એથિક્સ કમિટીએ મહુઆની વિરુદ્ધની રિપોર્ટને લોકસભાના સ્પીકર ઓમપ્રકાશ બિરલા પાસે મોકલી છે. સ્પીકરે આ મુદ્દે હજી સુધી તેમનો નિર્ણય આપ્યો નથી. મોઈત્રાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ટ્વીટ કરી અને લખ્યું છે કે હું કૃષ્ણનગરના લોકો માટે હંમેશા કામ કરીશ. 15 ઓક્ટોબર ના રોજ ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ લોકસભાના સ્પીકરને ચિઠ્ઠી લખી હતી, જેમાં મહુઆ પર બિઝનેસમેન દર્શન હીરાનંદાની પાસેથી લઈ અને સંસદમાં કેટલાક સવાલ કરવાનો આરોપ પણ લગાડવામાં આવ્યો હતો. તેલંગણા વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે નામાંકન પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે ત્યારે પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અને બીઆરએસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ કે ચંદ્રશેખર રાવ બે વિધાનસભા બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. બંને વિધાનસભા બેઠકો પર તેમની સામે 100થી વધુ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા છે. આ ઉમેદવારોમાં ખેડૂતથી લઈ અને યુવાન ઉમેદવારો પણ સામેલ છે. આ ઉમેદવારોમાં મોટાભાગના લોકો અપક્ષ ઉમેદવારો છે. કેસીઆરે ત્રીજી વાર ગજવેલ વિધાનસભા બેઠકથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ગજવેલ વિધાનસભા બેઠક પર કેસીઆર સામે 154 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જ્યારે કામરેડ્ડી બેઠક પર 102 ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે.